कप टूर्नामेंट का आज फाइनल डे है और आज यहां पर मैच भी खेला जा रहा है महिलाओं के बीच, और सिकिदरी और ओरमांझी की टीमें यहां पर मौजूद हैं और आज ये यहां पर मैच खेलेंगी। इनके बीच में मैच आज होगा, महिला फुटबॉल मैच। आप देख सकते हैं ये लाइव नज़ारा है प्रिटोरिया ग्राउंड से, जहां पर महिला टूर्नामेंट किया जा रहा है। ईदुल अंसारी गोल्ड कप जो है फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किया गया है आयोजित ईदुल अंसारी जी द्वारा, जिसमें डॉक्टर इरफान अंसारी जो विधायक हैं जामताड़ा के, वो भी आए थे इस मैच की शुरुआत करने को। और आप यहां पब्लिक का जुड़ाव देख सकते हैं, हुजूम देख सकते हैं इस पूरे ग्राउंड में, पूरा ग्राउंड घिरा हुआ है। बस खेल प्रेमी और खेलने वाले लोग यहां पर बैठे हुए हैं और खेल को देखने में पूरी तरह से व्यस्त हैं। हम कुछ खेल प्रेमी से बात करना चाहेंगे, आइए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जावेद अंसारी हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद अंसारी हुआ। तब कैसा लग रहा है मैच? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कौन सा फेवरेट टीम है? फेवरेट टीम है ओरमांझी वाला। फेवरेट टीम ओरमांझी बताई जा रही है और अभी महिला टीम खेल रही है, इसके बाद एक और मैच खेला जाएगा। आप देख सकते हैं नज़ारा कैसे, हुजूम मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग कैसे जुटे हुए हैं जो खेल प्रेमी हैं और मैच खेलने के देखने के लिए यहां पर आए हैं। ये पिटोरिया का ग्राउंड है जहां पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किया गया है, जहां पर खेल प्रेमी और दर्शक अपने पूरे होजो हुजूम के साथ यहां पर जुटे हुए हैं। हमारे साथ ईदुल अंसारी जी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैं ईदुल अंसारी जी हैं जो मेन ऑर्गेनाइजर्स में से एक हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज फाइनल मैच है यहां पर। फाइनल मैच, क्या लगता है कौन जीतेगा? सर ये तो अब दो उतर गई है फाइनल में, दो उतरा हुआ है, अब तो खेलने ही से पता चलेगा कौन फाइनल ले जाएगा। इसकी गेम की पूरी हिस्ट्री बताएं सर, कब से आपने चालू किया था यहाँ पर गेम खिलवाना, यहाँ पर लोग कैसे जुटने लगे, इस पूरे ग्राउंड की क्या कहानी है? 2019 से ईदुल अंसारी सद्भावना गोल्ड कप खिलाया जा रहा है। इसमें मकसद यही है कि यहाँ ग्रामीण बच्चे लोग इधर उधर मैच देखने के लिए जाता है। हम चाहते हैं कि मेरा लड़के लोग यहाँ देखे और खेले और झारखंड का नाम रोशन करे, इसी मेन मकसद है कि इसी चलते मैच किया जाता है। यहाँ से जो छात्र या छात्राएं निकलेंगी उनका कहीं पर सिलेक्शन भी किया जाएगा, जैसा लास्ट टाइम जब मैं आया था? सरकार का मामला है, हम लोग तो बच्चा लोग को यहाँ देख रहे हैं, अच्छे अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन ये सब तो सरकारें कर सकते हैं ना। आप और क्या चाहते हैं सरकार से? और सरकार से तो हम बहुत मदद चाहते हैं कि हम मैदान में मेरा स्टेडियम बना दे तो मेरे बच्चे को बहुत आसान होगा खेलने में। तो ये ईदुल अंसारी जी हैं जो ऑर्गेनाइजर्स में से एक हैं। हमारे साथ ऑर्गेनाइजर कमेटी के कुछ और लोग भी हैं। नमस्कार सर। मेरा नाम आफ्ताब आलम हुआ। ईदुल अंसारी सद्भावना गोल्ड कप का जब से 2019 से जो आपका मतलब यहाँ खेला शुरू हुआ, इनका एक सपना था कि मेरे गांव का नाम रोशन हो, मेरे क्षेत्र का नाम रोशन हो और मेरे इस गांव के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, और इसलिए इन्होंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। और ईदुल अंसारी जी ने ये आज जो आपके सामने है, ये जो आपके सामने आज ये भीड़ है, ये भीड़ जो उभरा हुआ है, ये इन्हीं का देन है कि आज ये कोकदरू पंचायत जो है, ये मुझे लगता ऑल वर्ल्ड भी इस खेला को देख रहा यूट्यूब के ज़रिए से, और इससे बढ़कर हम लोग को और कोई खुशी नहीं। हम चाहते यही अल्लाह इनको और आगे बढ़ाए और हम लोग का इसका नेतृत्व सदा रहे। मैं जितने भी बच्चे शौक रखते खेल कूद का तो उनका इनका पूरा सहयोग रहता और सहयोग से अभी आगे बढ़ रहा। आगे यही सरकार से हमारा निवेदन है कि इस स्टेडियम को देखे और इसमें जो कमी कोताही है वो हमारी सरकार वो पूरा करे, ताकि आगे आने वाला जो 2022 का खेला लास्ट फिर देखेंगे उसमें हमारा इस स्टेडियम का और कोई खूबसूरती हो जिसमें लोगों का कोई परेशानी ना हो।
नमस्कार सर, आपसे पहले भी बात हुई थी, आपने हिस्ट्री बताई थी इस पूरे गेम की जो मैं पहले दिन आया था, आज क्या बताएंगे? आज हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग इस कोकदोरो फुटबॉल ग्राउंड में जो खेला का आयोजन रखा है, विगत 3 साल पहले से हम लोग खेला को आरंभ करवाए हुए हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जब तक हम लोग का सांस में सांस रहेगा तब तक हम लोग इस खेला को चालू रखेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस ग्राउंड से खेल करके जो भी अच्छे प्लेयर्स होंगे वो हमारे सेंट्रल तक पहुंचने का काम करेंगे। और सरकार अभी जो मतलब दिशा निर्देश आ रहा है कि भाई जो अच्छा खिलाड़ियों को जो हम इस पर जो है सीधा सीधा बहाली करेंगे, यही हम लोग का एक उम्मीद है और हम लोग विकल्प भी यही ढूंढ करके रखे हुए हैं। दूसरी बात कि हम लोग ये भी चाहेंगे कि सरकार से हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे कब्रिस्तान है मैदान के पश्चिमी छोर में, उसका भी बंदोबस्ती और क्या बाउंड्री बंदोबस्ती हो जाए और ग्राउंड के अंदर में स्टेडियम का रूपरेखा तैयार हम लोग कराने का और जा रहे हैं। आगे अब देखना यह है कि सरकार हमें कितनी मदद करती है या नहीं करती है, उसके बाद फिर हम लोग आगे के बात को हम लोग सोचेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। हमारे साथ ईदुल अंसारी जी कुछ और कहना चाहते हैं तो हम इनसे ही बात करें। खेल मंत्री से हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि लड़की का मैच हो रहा है तो उन लोग का टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है ना, तो यही थोड़ा सा खेल मंत्री से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस मैदान में कुछ सहयोग करें हमको और कुछ मेरे खिलाड़ियों को आसान हो जाए, बस हम यही। क्या नाम जी? मेरे एमडी अनिस अख्तर नाम है। मैं ईदुल अंसारी सद्भावना गोल्ड कप 2021 का बहुत बहुत शुक्रिया इनको ईदुल भाई को देते हैं। और बहुत नौजवान युवक है और ये उत्साहिक युवक है, आने वाले भविष्य में उम्मीद है कि ये हमारे खिलाड़ियों का आगे कोर ले चलेगी। और मैं यही कहूंगा कि इस गांव में खेल का मैदान नहीं है और ये सरकारी ज़मीन है, कर्मजुरुआ ज़मीन है। हम चाह रहे हैं कि सरकार से और खेल मंत्री से कि इस ज़मीन को हम लोग का एक प्लेग्राउंड बनाया जाए। 600 से 700 की आबादी है इसमें, ST SC OBC सभी जाति के यहाँ है और हम लोग के लिए खेल का मैदान होना बहुत अनिवार्य है, जिसमें हम सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस मैदान को बाउंड्रीवाल किया जाए और खेल का जो भी रूम है, टॉयलेट है या जो भी खेलने का जो सामान है वो यहाँ पे पूरा व्यवस्था किया जाए। हम लोग इसके लिए बहुत शुक्रिया उन लोगों को मिलाएंगे और आने वाले जो भी हमारे खेल है यहाँ जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि खेल का प्रदर्शन हमारे झारखंड के युवकों के लिए इसको बड़े योगदान समझा जाए और इन लोग को सरकारी सर्विस या सरकारी जॉब में इन लोग का रखा जाए जो आने वाले उन लोग का भविष्य को और बाल बच्चों को आगे की ओर ले चलेगी। मैं आप मीडिया वाला NDDN TV से मैं गुजारिश करता हूं कि इसको यूट्यूब और इसको हर लाइन पर, हर चैनल पे इसको उजागर करें, धन्यवाद। हमारे साथ कुछ खेल प्रेमी भी हैं, हम खेल प्रेमियों से बात करना चाहें। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनिल है सर। आप हमेशा हर साल आते हैं खेल? हम हर एक साल आते हैं, देखते हैं। कौन सा मैच अच्छा लगता है, जेंट्स वाला या लेडीज वाला? दोनों का मैच अच्छा लगता है, लेडीज जेंट्स दोनों का अच्छा लगता है। क्या चाहते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए आपके गांव? ऐसे ही खेला बराबर होते रहना चाहिए, हर एक साल होना चाहिए और ये खेला होगा तो मैदान भी रहेगा, जितना भी यहाँ गाँव का है सब खेलेगा, मैदान बचेगा। तो सुरेश कुमार बैठा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के। सर, आज इस मैच का आयोजन किया गया है, इन बच्चों को किस तरह से लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से ईदुल अंसारी सद्भावना मैच का टूर्नामेंट का उद्देश्य ही है कि गांव के नौजवानों को जो खेल के क्षेत्र में रुचि रखते हैं उसके लिए ही ये मैदान को भी बनाया गया है। पिछले साल समतलीकरण करके यहाँ के मुखिया के द्वारा और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ये मैदान को बनाया गया कि इस मैदान में लोग सुबह खेल कूद कर अपना शारीरिक मजबूती प्रदान करें। और निश्चित रूप से हम ये टूर्नामेंट जब से शुरू हुई है पिछले साल से, आज देख रहे हैं लाखों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि खेल के प्रति रुचि बढ़ा है इस क्षेत्र में। और विशेषकर पिछले मैं 20 सालों से कांके विधानसभा में घूम रहा हूँ, 3-3 बार चुनाव लड़ा और ये खेल के क्षेत्र में और सामाजिक रूप से पर्व त्यौहार जो है
ये विशेष लगाव इस विधानसभा के क्षेत्र के लोगों का है, इसलिए लगातार मतलब महीना में 30 दिन होता है तो कोई दिन मेरा ऐसा खाली नहीं रहता है कि इन सब कार्यों में नहीं जा पाता। हर दिन आप कुछ ना कुछ हमको देखने को मिलता है, ऐसे एक जोश उत्पन्न होता है लोगों में जाकर। और नौजवानों को हम यही कहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। और जिस तरह से हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी जैसे सरकार में मुख्यमंत्री बने, खेल के क्षेत्र में ही रोजगार देने का पहला उन्होंने लक्ष्य रखा और इस हिसाब से 2400 जिला में खेल प्रशिक्षक नियुक्त किया और अभी 250-250 नौजवानों को जो खेल के क्षेत्र में उनको नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। सर, ग्राम को डेवलप करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर जहाँ खेल का मैदान नहीं है वहाँ सहयोग हम लोग करते हैं, श्रम दान करके कुछ मैदानों को बनाने का काम करते हैं। जो प्रतिभावान खिलाड़ी है जिसको खेल की सामग्री नहीं उपलब्ध हो पाता है, जैसे जर्सी हो, बूट्स हो, तो ये तमाम तरह का समस्या लोगों को रहता है, कहीं ना कहीं हमें सहयोग मांगता है तो मैं उसको उपलब्ध कराता हूँ। हमारे साथ एक महिला खिलाड़ी भी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम हो आपका? धीरन कुमारी। किस टीम के लिए खेल रही हैं आप? JFC आगा टोली। क्या लगता है क्या होगा आगे मैच में? जीत। क्या हुआ? महिलाओं का टीम के द्वारा खेला, खेल के हमको बहुत अच्छा लगा और खेल में तो ये अब प्लान्टी हो रहा है, पता नहीं उसमें क्या होगा, अभी तो हम नहीं देखे। कितने दिन से खेल रही हैं आप? 8 साल। हाँ, क्या लगता है आगे आपको कोई और चांस मिलेगा, इंटरनेशनल पटल पे खेल पाएंगे? हाँ, मेहनत करेंगे तो आगे बहुत आगे तक जा सकते हैं और जाएंगे और अपना टीम को भी लेके जाएंगे। हमारे साथ कुछ और प्लेयर्स भी हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? जी, मेरा नाम सरिता कुमारी है। आप कितने वर्षों से खेल रही हैं? जी, 4 साल। 4 साल से। क्या लगता है आगे? आगे बस वही मेहनत करते रहना, आगे बढ़ेंगे तो अच्छा बात है। कितने सालों से आप यहाँ पर आ रही हैं खेलने? बस ये मेरा फर्स्ट है। क्या लगता है आप जीतेंगी? हाँ, जीतेंगे। जब तक ये सुना आपने, यश सिकंदरी की खिलाड़ी थी, नौजवान खिलाड़ी, और ये बता रही थी कि कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस में भरा हुआ।